अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग जहाँ मैंने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। लाले किस तरह? 120 रुपए भाईजान। यार सही सही पा दी जरा किलो को। हल्का जा निशान है भाव जी, छोड़ दा छिलके दो तो होएगा तो नहीं होएगा दसो। चलो ऐसा होगा थोड़ा, देखो निशान है। रश कितना ज्यादा है? अभी 9:30 का टाइम है और रश है। बेटा वो इतनी बड़ी गाड़ी और आप अब बड़ी हो गई हो। और यहाँ पे हम घर जा रहे थे और आपको एज यूजुअल पता है कि हुरम का फुल मूड खराब था कि मुझे कुछ लेके दिया जाए। मैंने मेरी मम्मा से कहा था। चलो आ जाओ। हाँ जी आ जाओ। डोर क्लोज करो हुरम। नो बाबा कह रहे हैं उधर। रोज ट्राय लेना होता है आपने। चलो 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 ये कितने खूबसूरत बॉटल्स है। चलो आप और ये लूं कौन ना ते लूं। चलो बताओ जो मर्जी लेना है आप ले लो। अब आप ले लो, आपको समझ भी नहीं आ रहा। एक लेदर ले लूं। क्या रेजर? लेदर रेजर देख लो आप जो लेना है। एक ले लेने ये रखो टॉप कितना है आप लगा के देखो मम्मा। दिखा मम्मा ये रखो टॉप लगा के। क्या लगा के देखो? सॉफ्ट है। चलो बस आपने ये लेना और एक ये ले लो आप। और आप यकीन करें हुरम मुझे इतना तंग करती है ना कि जो चीज़ें मेरी रह गई थी ना वो भी मुझे भूल जाता है। और उन चीज़ों की वजह से मैं दोबारा अंदर गई और वो चीज़ें मैंने लेकर आनी थी, कुछ आइसक्रीम वगैरह लेनी थी। बच्चों ने कहा हुआ था रिशा जोहा ने कि आप हमारे लिए आइसक्रीम लेके आए, कुछ के इनके लंच बॉक्सेस के लिए कुछ की एनएनस की चीज़ें चाहिए थी वो लेनी थी वो ली। और जब आपकी आइसक्रीम्स की आप डीप फ्रीज़र खोल देना आप यकीन करें आपका दिल करता है कि आप यहाँ से सारी आइसक्रीम्स उठा के ले जाएं। और जो हमारे घर के डीप फ्रीज़र हैं वो ऐसे क्यों नहीं है, वो इस तरह की चीज़ों से क्यों नहीं भरे होते, ये आपके दिल में भी ख्याल आता है ना जब भी हम ये बाहर के डीप फ्रीज़र्स वगैरह देखते हैं। और जी उसके बाद हम आ चुके थे घर और घर आके सबसे पहले करना था वेट। जी सबसे पहले जैन ने वेट किया और जैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद बारी थी जी हमारी। मैं आपके साथ अपना जो वेट है ना वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी जब मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी और अपने कुछ अपने जो केजीज़ हैं ना वो मेरे जब कम होंगे ना मैं तब आपके साथ अपनी वेट लॉस इंशाल्लाह इंशाल्लाह जर्नी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मुस्तफ़ा हुआ है और वेट मैंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया हुआ है। और इंशाल्लाह आप क्या लेके आई हो? बंदर लेकर आई हूं। क्या लेकर आई हो? बंदर। ओ किले तो नहीं आज बतूल भी इसके साथ रात के 12:30 तक जाग रही है। ये पाउच कितना प्यारा है। ये मंकी है। ये मंकी है। मंकी नहीं है ये बंदर है। क्या बंदर? बंदर है बासुर है।
बतूल कह रही है मंकी नहीं है ये बांदर है। मंकी कहते हैं बंदर को बेटा। मंकी दिखाओ। और ये क्या है? ये कैट है। ये कैट है। ये भालू है। ये भालू है। ये शेरू है। ये शेरू है। और जी यहाँ पे मैं करवा रही थी मासी से काम वगैरह, डस्टिंग वगैरह करवा रही थी और पता ही नहीं चला दिन कैसे गुजर गया। और जी यहाँ पे जा रही थी मुजम्मिल अपने घर और हसन ने भी अपने घर जाना था, बट आज जाना था मुजम्मिल ने, हसन ने कल जाना है। और ये दोनों कज़न्स हैं और इन्होंने जाना तो इकट्ठे ही होता है जब इनकी फैमिली में कोई फंक्शन होता है। तो हमने कहा कि बाहर तो जा ही रहे हैं, चलो मुजम्मिल को छोड़ देते हैं पहले, क्योंकि हमने मुजम्मिल वालों की साइड पर जाना था। हसन के तो जो पेरेंट्स हैं वो सुबह आके हसन को ले जाएंगे, क्योंकि हसन के घर है मिलाद, तो आपको पता है इन्होंने जाना ही होता है। ये देखिए कितनी खुश है, और हुरम ने उदास हो जाना है मुजम्मिल के जाते भी। और जी जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी जो है ये मशीन्स वगैरह जिम की थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है, थोड़ी सी लेनी है। तो वो इंशाल्लाह एक दो दिन तक इमरान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ले दूँगा वो मशीन्स ना, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मुजम्मिल जी आपके अब्बू आए तो नहीं अभी तक? रह गए होंगे घर। रह गए होंगे। मुजम्मिल की तैयारी देखें, लाइनर तक लगाया हुआ है मुजम्मिल ने, और इसका ड्रेस देखें अच्छा है। और यहाँ पे हम मुजम्मिल के पेरेंट्स का वेट कर रहे थे कि वो आके इनको ले जाएं। उनका घर यहाँ से जरा काफी थोड़ा दूर ही है और हमें रास्ता नहीं पता था। तुम्हारी मुजम्मिल भी आई खड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। मुजम्मिल भी आ गई है। और जी यहाँ पे हमने मुजम्मिल को उसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया और मुजम्मिल चलेगी अब इंशाल्लाह जी फ्राइडे को आ जाएगी। और यहाँ पे हुरम इतनी ज़्यादा उदास हो गई थी ना, बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा खेलती है हुरम के साथ। और अभी तो जब हसन ने जाना है तो हुरम ने तो फिर रोना है, और जब हसन और बतूल जाते हैं ना तो हुरम तो काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है। हुरम काफ़ी ज़्यादा अटैच है इन सब के साथ ना। और जी यहाँ पे हम लोग पहले गुलगश्त की हमने थोड़ी सी आउटिंग वगैरह की, क्योंकि उनका घर गुलगश्त वाली साइड पे था। फिर हम लोग कैंट चले गए, और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कहाँ कहाँ हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा कितने कमा मंगाले? और जी उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बारबेक्यू जो खा लेते हैं ना, और मैं और इमरान थे, हुरम तो पीछे सो चुकी थी काफ़ी देर की, और हुरम को वैसे भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता खाने पीने से, तो वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा दूर भागती है। और जी माशाल्लाह से फिर हमने कबाब और पीस को इंजॉय किया, मज़े ले लेके खाया। और जी मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि जी हसन कौन है? हसन जी हमारे पास हमने रखा हुआ एक बच्चा है, और वो मेरे बच्चों के साथ ही स्कूल जाता है, मेरे बच्चों के साथ ही ट्यूशन जाता है, मेरे बच्चों के साथ ही का हिसाब से पढ़ता है। हाँ ठीक है, मुजम्मिल हमने रखी है, वो ये कि मेरे काम शाम करती रहती है, हसन भी मेरी काफ़ी हेल्प तो करवा ही देता है। तो लेकिन जो बच्चा हमने रखा हुआ है हसन, वो जस्ट हमने इसलिए रखा है कि वो स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, अच्छा उसका फ्यूचर बने, अच्छा उसका मुस्तकबिल जो है वो बने, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के काम आए। और जस्ट हमने हसन को इसीलिए रखा हुआ है, हमने हसन को किसी काम शाम के तौर पे नहीं रखा हुआ। काम शाम के लिए तो हमारे घर में मासी भी आती है, लेकिन हमने उसको अपने बच्चों के साथ ही रखा हुआ है कि वो साथ स्कूल जाता है, और स्कूल में भी सबको यही पता है कि ये बच्चों का कज़न है, और ट्यूशन भी जाता है और कारी साहब से भी पढ़ता है। और जी यहाँ पे इमरान चारों बच्चों के लिए ले रहे थे लंच, उसमें अयान, वरीशा और साथ हसन होते हैं। अभी तो आपको पता है हुरम और मुस्तफ़ा तो अभी स्कूल गोइंग नहीं है, ये चार बच्चे स्कूल जाते हैं, और इनके लिए ना इमरान यहाँ पे ले रहे थे लंच, क्योंकि इनके इतने ज़्यादा गले ख़राब हो चुके हैं ना, ये इनको पैसे दे देते हैं हम चारों को, और ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खा ही लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि हुरम सोई हुई थी, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आते सबसे पहला काम मुस्तफ़ा को निबलाइज़ करना था। और आपको तो जैसे पता है कि मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब है, बट आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच जी, और सबने मुस्तफ़ा को इतनी दुआएं दी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी घर आके हमने वो कैंडल वाली सुकराल वाली चाय जो होती है वो मैंने पी है, और बस ये अफसोस ही होता है सारा दिन आप कुछ खा लो तो फिर आपको बाद में अफसोस होता है। और वैसे भी मैंने अब बहुत सख्त किस्म की डाइटिंग स्टार्ट करनी है, और मैं सोच रही हूँ कि आपको साथ साथ व्लॉग में ना उसका बताऊँ भी कि आज मैंने ये खाया, दोपहर में ये लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हुरम रास्ते में सो गई थी, और अब हुरम लगी हुई है चार्जिंग पे लगी हुई थी, और अब हुरम उठ के बैठ गई है, और अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एडिट करने की सोच रही हूँ, और ये बैठ के अपने यहाँ पे कार्टून्स वगैरह देख रही है। और जी लास्ट में दुआ में याद रखेगा, आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल, बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।